हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि आज मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं रिलेटेड टू लाइफ ये टॉपिक जो है मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसे फील की एंड देन आई डिसाइडेड कि यार ये टॉपिक पे तो मुझे बात करनी चाहिए अपने चैनल पर क्योंकि मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशली हम महिलाओं के साथ ये चीज़ें बहुत बार होती हैं कभी कभी हर किसी के साथ कभी कभी होती है, बट कई लोगों के साथ ये रेगुलर बेसिस पे होती है, और मुझे लगता है कि हम जो फीमेल्स हैं महिलाएं हैं घर की स्पेशली जो हाउस मेकरस हैं उनको इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए आ... उनकी खुशी के लिए काम करना चाहिए मैंने ऐसा महसूस किया तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ में अपना ये नज़रिया शेयर करती हूँ और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करोगे तो एक बहुत ही न, हमारे बीच में एक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा और हो सकता है कि कुछ लोगों का नज़रिया मैं बदल पाऊँ या कुछ लोग मेरा नज़रिया बदल पाएँ तो हुआ ऐसा कि आ, अभी हम मैं मतलब घर गई थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई एंड uh, मैंने देखा कि वो हाउस मेकर है और वो सारा काम जो घर के होते हैं खाना बनाना या कोई हमारे जैसे हम लोग गए थे तो हमारे स्वागत में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बनाना करना हमारा मतलब वेलकम करना अच्छे से ये सारी चीज़ें घर के भी अपने जो रेगुलर बेसिस पे काम है हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो टिफ़िन देना और बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं रेगुलर तो सारा काम कर रहे हैं ठीक है फिर हुआ ऐसा कि आ, हम सब लोग जब लंच पे बैठे सब खाना वाना बन गया था वो भी आकर के बैठे और हम लोग भी सब बैठे हुए थे हमने डिसाइड किया कि चलो एक मूवी जो लेटेस्ट कुछ आई है वो मूवी देख लेते हैं बैठे बैठे जितना भी देख पाएंगे एटलीस्ट एंटरटेनमेंट होगा थोड़ा सा और लंच भी हो जाएगा हम सब लोग मूवी देख रहे थे बट मैंने देखा कि जो मेरी फ्रेंड है उसका दिमाग मूवी में बिल्कुल भी नहीं था और उसका दिमाग ऐसा था कि भाई जितने भी लोग घर में जो गेस्ट आए हुए हैं आप और ये ले लीजिए आप वो और ले लीजिए ऐसा है मतलब वो पूरा ध्यान उसका इवन अपने खाने पे भी नहीं था उसका पूरा ध्यान इस पर था कि बाकी के जो लोग हैं वो ढंग से खा रहे हैं कि नहीं और ले लीजिए और ले लीजिए मतलब वो अपनी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही थी देन आई रियलाइज़ कि हम सब मूवी देख रहे हैं बट ये जो है इसने काम भी कर लिया है अब वो फ्री है ना वो अपना खाना इंजॉय कर पा रही है ना वो अपना टी देख पा रही है ना ही किसी ने इस चीज़ की रिक्वायरमेंट उसके सामने रखी है कि भाई हमको पूछो टेबल पे खाना रखा हुआ है जिसको जो चाहिए होगा वो ले लेगा ले सब लोग बड़े हैं और एक बार पूछ लिया ठीक है लेकिन बार बार पूछना बार बार मन में ये चीज़ क्योंकि उसके मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई उसके मन में ये चीज़ चल रही है कि भाई और मैं कुछ अच्छा कर दूँ और मैं कुछ अच्छा कर दूँ तो ऐसा नहीं है कि वो इन्जॉय करना नहीं चाहती है वो इन्जॉय करना चाहती है उसको कई बारी दूसरों को देख के ऐसा भी लगता है कि यार कैसे हो जाता है ये भी काम औरतें कर लेती हैं ये सब कुछ काम भी कर लेती हैं और मूवी भी देख लेती घूम भी लेती इन्जॉय भी कर लेती कैसे हो जाता है मैं तो बस काम में ही लगी रहती हूँ उस पॉइंट पर मुझे समझ में आया कि वो क्यों काम में ही लगी रह जाती है बिकॉज़ हमारी खुशी कोई भी व्यक्ति अगर खुश होना चाहता है दो चीज़ें एक तो उसके पास परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो हो पाए उन चीज़ों के लिए उतना टाइम निकल पाए मजबूरियाँ होती हैं लेकिन अगर आपके पास मजबूरी नहीं है एकदम सिंपल से आपकी लाइफ चल रही है और फिर भी आप अपने अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी गलती है क्योंकि कोई भी ज़बरदस्ती आप की खुशी के लिए आपको मतलब आपको ज़बरदस्ती टीवी नहीं दिखा सकता आपको ज़बरदस्ती घुमा नहीं सकता अगर आप खुद घूमना चाहोगे खुद टीवी देखना चाहोगे या खुद जो भी करना चाहोगे तभी आप कर सकते हो फिर आपके पास टाइम हो या नहीं हो तो ये तो आपके ऊपर है तो मैंने उस टाइम पर ये चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत सारी हम जो औरतें होती हैं घर पे स्पेशली जो रहती हैं उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि हम और पूछें और पूछें और पूछें मुझे लगता है कि आ, बोलते हैं ना जैसे ग्लास है एक ग्लास में टू हंड्रेड एम का अगर ग्लास है तो टू हंड्रेड एम तक जब तक मैं पानी डालती रहूँगी वो ग्लास भरता जाएगा उसके बाद मैं जितना भी पानी उसके अंदर डालूँगी वो पानी वेस्ट होगा अब वो ग्लास एट द एंड में जब बोलूँगी कि अरे यार मैंने तो एक जग पानी डाला था बट पानी कितना बचा हुआ है मेरे पास मुझे पानी पीने के लिए कितना मिल रहा है टू हंड्रेड एम एल क्योंकि आप कितना भी एफर्ट्स डालते हो उससे कोई मतलब नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट है वो ग्लास जितना स्टोर कर सकता था सिर्फ उतना ही आपको एट द एंड मिलेगा तो वही कहने का मतलब है कि आप किसी के लिए कितना भी करोगे उसकी वैल्यू सिर्फ तभी तक रहेगी जितना कि सामने वाले को उसकी रिक्वायरमेंट है अगर आप उससे ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो तो आप अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो सामने वालों की गलती नहीं है कि अगर वो आपको उस एफर्ट्स को रीपे नहीं कर पा रहा है तो उसकी गलती नहीं है लेकिन क्योंकि आप इतना सारा एफ़र्ट अननेसेसरी कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी आपको दुख होगा एट देन कि यार मैं लुक इतना करती हूँ बट ये लोग तो कुछ समझते नहीं है मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ एंजॉय और एट द एंड आपको रियलाइज़ नहीं होता है और आप अनकॉन्शियसली आपको लगता है कि मैं इतना काम करती हूँ और मैं इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ तो अनकॉन्शियसली अनोइंगली आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं कर रहे हो और उसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है कि आप खुद हैं तो हर वो महिला जो कि ऐसा सोचती है कि भाई दूसरों के लिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ भले ही हम नहीं तो आप महान नहीं बनते हो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्टोरेज सिर्फ उतना ही होगा जितना कि स्पेस है उससे ज़्यादा अगर आप कोई भी चीज़ स्टोर करोगे तो वो ओवरफ्लो होकर वेस्ट ही होगी इसीलिए आप किसी के लिए उतना काम करो या उसको उतना ही वैल्यू करो जितनी कि वो एक्सेप्ट कर पाए एक आ, लिमिट के बाद अगर आप किसी को देते रहोगे किसी का काम करते रहोगे तो उससे क्या दिक्कत है बट जब वो काम खुद भी कर सकता होगा तो वो आपके एफ़र्ट्स को वैल्यू नहीं करेगा समझ रहे हो आप मेरी बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूसरों की वैल्यू एक लिमिट में करनी चाहिए तब तक करनी चाहिए जब तक आपकी सेल्फ़ वैल्यू या सेल्फ एंटरटेनमेंट सेल्फ़ मज़ा जो आपकी लाइफ का है वो कम या कॉम्प्रोमाइज़ ना हो मजबूरियों की एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ बट इन जनरल जो हमारी लाइफ चलती है मैं उसकी बात कर रही हूँ जैसा कि मैंने ये एग्जाम्पल बताया इसने मुझे बहुत हिला दिया लिटरली और मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीडियो घर जाके आराम से बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं आप सभी से अपने आप से भी मतलब उस चीज़ से मैंने भी अपने आप को ये चीज़ सीखी कि सिर्फ एफर्ट्स उतना करो जिससे कि सामने वाले को भी उस आपके एफर्ट्स से कुछ फ़ायदा मिले और आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो ताकि आप अपनी एनर्जी आ, अच्छे कामों में लगा पाए मान जैसे कि इस केस में था कि अगर वो शांति से बैठ के टी देखती तो वो कुछ टाइम रिलैक्स करती मूवी देखती हमें भी अच्छा लगता हमारे साथ बैठ के वो मूवी देखती तो उसे भी अच्छा लगता और उसे भी ऐसा लगता है कि यार दिन भर जो मैंने एफ़र्ट्स किए तो मैंने वो मज़ा भी लिया मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मेहनत करते जा रहे हैं और हमें मज़ा कुछ नहीं आ रहा है कई बार आपने देखा होगा कि पार्टी में लोग सोचते हैं कि हम तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ गर्मा गर्म ये गर्मा गर्म वो बना के मेहमान को खिलाएंगे आप खुद वो मेहमान होगे तो आपको खुद भी इतना अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये एक बंदा आप जिसके घर आए वो बैठ के बस किचन में बनाते जा रहा बनाते जा रहा हमारे साथ तो उसको टाइम ही नहीं उसने स्पेंड किया तो बजाय इसके आप कुछ ऐसी मेन्यू डिसाइड कीजिए जिसमें कि आपको एट प्रेजेंट कम मेहनत करना पड़े ताकि आप खाना पीना भी अच्छे से इंजॉय कर सको और मेहमान के साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर सको क्योंकि लाइफ में काम तो आप जितना करोगे करते रह जाओगे बट हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक दूसरे से मिलना आपको वो मेंटल पीस देता है मेंटल हैप्पीनेस देता है खुश रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप खुश हैं अच्छा फील कर रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में लोग भी अच्छा महसूस करेंगे आप सिर्फ काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो तो दिमाग को वो एनर्जी वो पॉजिटिविटी मिल नहीं रही है और अननेसेसरी फिर आप एक टाइम पे चिड़चिड़े से बन जाओगे और फिर वो आपके सराउंडिंग को इतना काम करने के बाद भी मज़ा नहीं आएगा इसलिए काम उतना करो जिससे कि आपका दिमाग का यू you नो know, जो बैलेंस है, हैप्पीनेस है पीस है वो बना रहे एफर्ट्स भी करते रहो तो लोग भी इंजॉय करेंगे आप भी इंजॉय करोगे और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा आई थिंक ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन uh, किया बट मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी हर्टफुल थी मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए और मुझे लगा कि समटाइम्स मैं भी शायद ऐसा करती हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए और वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे काम कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग में एक अच्छा और बना सकूँ तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ पे अपने प्रिंस जो लाइफ प्रिंसिपल्स है उस पर काम कर रही हूँ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हूँ साल दो साल मुझे हो चुके हैं तो ये पर्टिकुलर चीज़ से मैंने ये सीखा और मैंने ये आप लोगों को ट्रांसफ़र किया आप लोग की इस पर क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा जिससे कि मुझे और मेरा जो सोच है वो और ब्रॉड हो सके और आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप आगे से मत कीजिएगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पर अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए आप मेरी बात से अग्री करते हैं या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सब चीज़ें डिस्कस कीजिए और इस तरीके का और कोई टॉपिक या और कोई चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में कीजिए इंस्टाग्राम पर अगर कोई इस टाइप की स्टोरी आपके पास हो तो वो भी मुझे शेयर कीजिएगा मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी बिकॉज मुझे इस पर्टिकुलर छोटे से इंसिडेंट ने बहुत सारी चीज़ें यू नो एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को प्रेरित किया कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर भी बात करूँ अल्टीमेटली हम महिलाएं जो हैं हमें पता नहीं होता है और हम मन नो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ गलत कर रहे होते हैं तो ये टॉपिक कैसा लगा और इस टाइप के और टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ वो सब कुछ आप लोगों के साथ पे शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर